इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो भरत जी भगवान के सिर चरणों में, इसमें महापुरुषों का एक निवेदन है, नव दिन में भरत जी श्री राम प्रभु के सिर चरण में आए। अस्तु मानस की कथा नव दिन रखी जाती है कि साधक नव दिन में भगवान की चरण शरण प्राप्त कर सके। भरत भैया का श्री अवध से चलकर चित्रकूट आना, 5 दिन दर्शन करना, जनकराज महाराज का सुनेना मैया सबके साथ में चलकर आना, 5 बैठकियां, इनमें चलकर 4 दिनों में श्री अवध आना, कुल समय 30 दिन का लगा है। इसलिए श्री रामचरितमानस जी का एक पारायण मास पारायण भी बोला गया है, जो हम 30 दिन में पूर्ण करते हैं। ये नहीं सही तो वो सही, वो नहीं सही तो, अरे भाई अखंड रामायण का क्या अर्थ है? ये लोकाचार है। 3 रीति हमारे यहां है, एक श्रुति रीति है और एक लौकिक लोक रीति है और तीसरी रीति है साधुमत, साधु रीति। मेरे गुरुजी जैसा कह दें वैसा स्वीकार करना, वो भी मान्य है। साधक को किसी भी रीति का विरोध नहीं करना चाहिए, समर्थन। कई लोग किसी घर में चले गए, अरे आपका पूजा का जो मुख है ना ये उल्टा है। अब आप कहाँ समस्या बन के आ गए साहब, मेरा ये कई कक्ष है, उल्टा है सीधा है, ये सब क्यों बोलना किसी को। साधक जोड़ने के लिए होना चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं। किसी को संशय में न डालिए। मेरे से कई लोग पूछ रहे थे महाराज जैसा, भाई आप आए हो राम राम करो विदा लो, किसी से न पूछना, प्रश्न प्रति प्रश्न में तो उलझने नहीं है साधक को, बस ठाकुर जैसे रख दे वैसे ही चोला साजो। भरत जी हमारे आए सरकार के श्री चरण में, क्या कहें आपको, ठीक है ना, 3:30 हो गए, ये तो अथाह है ना, अमित महिमा सुन रानी जाने मैं, 3 दिन 3 दिन 3 सत्र 2 दिन 1 सत्र तो पूरा स्वाहा हो जाता, सूक्ष्म बन नहीं पाता है मेरे से, कथा में क्या सूक्ष्म करना है। तो प्रभु के श्री चरण में जब निषाद जी भरत जी को लेके चल रहे हैं माँ के स्वप्न प्रसंग के पश्चात, तो निषाद जी कहते हैं ऊंचे टीला पर चढ़कर, देखिए भैया ओ पंचवटी, ओ तुलसी जी का बिरवा, भगवान के सन्मुख लक्ष्मण जी भगवान के प्रश्न का उत्तर देने ऋषि मुनि लोग सन्मुख विराजे, पहुँच कर प्रणाम करिए। भरत जी भगवान के सन्मुख भी नहीं जाना चाहते हैं, क्यों? मेरे कारण से मेरे ठाकुर वन आए, मैं भगवान के सन्मुख कैसे जाऊं, अपना श्रीमुख कैसे है? सरकार का मुख कैसे देखूं, अपना मुख कैसे दिखाऊं? अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 240। भरत भैया दूर से ही पाहिनाथ कही पाही गोसाई, भैया भूतल परे लकुट की, लकुट जैसे दंडा धाम से गिरे। देखिए एक निषेध है, ध्यान रखिएगा, सनातन धर्म में माताओं को बहनों को बेटियों को धरती पर मत्था टेक के प्रणाम नहीं करना। एक दरबार खाली है, सदगुरु के सन्मुख बेटी बहू माँ सब पुत्री तुल्य हो गए, ये मर्यादा का निर्वाह करके वहाँ तो आप जैसे वंदन करो, देव विग्रह को चाहे जैसे वंदन करो, किसी को प्रणाम करना है मत्था टेकना पुरुष के लिए अनिवार्य है। तो जिसको अनिवार्य है वो तो जंघे से करता है, महाराज परिपणी, अरे भाई चरण स्पर्श करना है, चरण में मत्था टेक, इसलिए अपने गुरुमुखी में कहते हैं मत्था टेको मत्था टेको, व्यवहार है मत्था टेको करो, श्रद्धा पूर्वक करो, उस व्यवहार का पालन करो करो। पुरुष को तो सीधा भूतल परे लकुटे की,
जैसे दंडा छोड़ दिया जाए वैसे भरत जी चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने सेवा धर्म पर भ्रातृ धर्म का भार रखते हुए प्रभु से कहत सप्रे नाई महिमा था कि भरत करत प्रभु। भरत जी प्रणाम करते इतना सुनते मेरे ठाकुर उठे राम सुनि प्रेम यदि कहूं पट कहूं निसंग कहूं पट कहूं निसंग कहूं पट कहूं निसंग। भगवान ने भरत प्रमाण प्रणाम कर रहे हैं लक्ष्मण भैया के मुख से सुना जैसे ठाकुर उठे कहीं पट चला गया कहीं धनुष कहीं निशंग उसके बाण कहीं क्यों। भगवान लक्ष्मण जी को जो आवेश आया था उससे लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं श्रेष्ठ अपने एक व्यवहार से कई लोगों को संदेश दे देते हैं कहते हैं किसी को और जाता है कहीं तक। मानो सारे आयुध अलंकरण दूर हो गए कारण जिस प्रेम से भैया मिलने आए हैं उसी हृदय से भगवान भरत जी से मिलना चाहते हैं इसलिए प्रभु के उठे राम सुनि प्रेम यदि कहूं पट कहूं निसंग जन की कहूं पट कहूं निसंग जन की कहूं पट कहूं निसंग जन। धनुष बाण पट लक्ष्मण जी को संदेश दे गए भैया भाई जब भाई से मिलने आता है ना तो धनुष बाण लेके नहीं मिलते हैं एकदम निर्मल हृदय लेके मिलते हैं इसलिए धनुष बाण जड़ होते हुए भी लक्ष्मण भैया को संदेश देकर और भरत जी के चरणों में प्रणिपात होकर वंदन करते हैं धन्य है भरत जी अरे आप आए मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है इसलिए भगवान ने उठे राम सुनि प्रेम यदि कहूं पट कहूं निसंग जन कहूं पट कहूं निसंग जन कहूं पट कहूं निसंग जन। भरत जी की विह्वलता को भाकर समझकर जानकर परमात्मा ने सांप को दूर कर दिया क्यों। आप प्रेम की सहजावस्था में दर्शन करेंगे भगत भगवान से मिलता है मित्र मित्र से मिलता है साधक साधक से मिलता है एक दूसरे में आनंद हो लिंगन करना चाहते हैं क्यों। प्रेम की पराकाष्ठा है इस पराकाष्ठा भाव में प्रभु भी आ गए मेरा प्रिय मेरे परम प्रिय प्रेम स्वरूप जो भरद्वाज जी ने कहा आ रहे हैं भरत जी इनसे इसी भाव से मिले जिस भाव से वो आ रहे हैं इसलिए उठे राम सुनि प्रेम यदि कहूं पट कहूं निसंग जन कहूं पट कहूं निसंग जन कहूं पट कहूं निसंग जन। प्रेम स्वरूप राम जी सारस स्वरूप राम जी अब प्रेम स्वरूप भरत जी को उठा रहे हैं प्रेम प्रेम को उठा रहा है प्रेम से प्रेम उठता नहीं है जो विह्वलता भरत जी के हृदय में है वही विह्वलता मेरे सरकार के हृदय में भी है इसलिए भरत जी प्रेम स्वरूप परमात्मा से उठ नहीं रहे क्यों। इधर भी विह्वलता है इधर भी विह्वलता है अति दुख में अति आनंद में गति क्रिया बाधित होती है परंतु परमात्मा ने अपने परम प्रिय को बरबस लिए उठा उर लाए कृपा भरत राम की मिलन लखे बिसरे सब। भगवान ने बरबस माने जबरन उठाया उठ नहीं रहे। भगवान भक्त के भाव का सदैव रक्षण करते हैं। भरत जी चाहते हैं मेरा मुख प्रभु ने देखे क्यों मेरा मुख देखने लायक नहीं है मेरे नाम के प्रस्ताव से भगवान को बन आना पड़ा। भगवान ने भी ऐसा ही तो किया बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा
भरत जी आप जैसा चाहते हम वैसा ही करेंगे, आप दिखाना नहीं चाहते हो तो हम देखेंगे भी नहीं। दोनों भैया इतना रोए हो, अरे मिलन बिलो की भरत रघुबर की, मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की, सुरगन पुनः समझाए सुर गुरु जड़ जाए, समझाए सुर गुरु जड़ जाए, बरसी प्रसोन प्रसन्न सही लागे, बरसी प्रसोन प्रसन्न सन लागे, भरत जी को आते समय देवराज इंद्र ने कहा था बृहस्पति जी से, हे गुरुदेव भरत जी को राम जी के मिलने से रोक लीजिए। ये तो जिस प्रेम आह्लाद पूर्वक जा रहे हैं भरत जी, राम जी वापस आ जाएंगे। देखिए जानते तो भरत जी भी हैं कि राम जी वापस नहीं आएंगे, क्यों? अरे भाई जो घर छोड़कर साधु बन जाता है, साधु स्वरूप जो धारण कर लेता है, वो अपने घर वालों को खबर नहीं करता, और जिसको नाटक करना होता है वो अपने रिश्तेदारों को बताता है, मैं हरिद्वार आ गया हूँ बताइएगा मत। तो आप क्यों बता रहे हो भाई? आप बता रहे हो इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि आप बता दीजिएगा कि मैं हरिद्वार में गीता कुटीर में पश्चिम वाले कमरे में मिलूंगा, बता दिया। ये देवराज इंद्र की अपनी मति की गति है, जो भरत जी पर संदेह रख रहे हैं। भरत भैया जानते हैं सत्यवती परमात्मा लौट कर अयोध्या नहीं आएंगे, फिर भरत जी आए क्यों? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।